क्यों सोचा है मेरे प्यारे इंटेलिजेंट भारतीय। नमस्ते, अभी हम आए दाइसो। तो हमारे एरिया का जो दाइसो है ना वो छोटा है, बट फिर भी काम चलाओ चीजें ना काफी मिल जाती हैं। तो ये जैसे सामने एंटर करते ही ना, ये बच्चों के पाउचेस थे, मतलब पर्स जैसे, तो मुझे बहुत क्यूट लगे। और ये 1000 कोरियन वॉन के थे। ये काम चलाओ शर्ट, सॉक्सेस, स्टॉकिंग्स, मतलब यहाँ पे मिल जाती हैं। ये ज़्यादा दिन तो नहीं चलती बट फिर भी चल जाती है काफ़ी। और ये फ़ोन से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या ये क्यूट चीज़ें बच्चों के लिए, जैसे उनके डॉल्स, प्लेट्स, बॉटल्स, बुक्स, टिश्यूज, बॉक्सेस, ये मैं है, कलरिंग बुक, पेंसिल कलर्स, स्केच कलर्स, पेंटिंग ब्रश, चॉक, बोर्ड, या नोटबुक्स, ये सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये लोग ना कोई भी चीज़ पैक बहुत अच्छा करते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ देते हैं ना तो बहुत अच्छे से पैक करके देते हैं। ये देखो बॉक्सेस यहाँ पे क्यूट क्यूट मिलते हैं। और मुझे ये ऊपर ना ये रेड वाला बहुत ही अच्छा लगा, मतलब हमारे जैसे कोई भी लफाफे में नहीं देते, ये खरीद के देते हैं लफाफे में। और ये फ्लावर वाला एरिया सबसे अच्छा लगता है मुझे पूरे 250 में। यहाँ पे खाने की चीज़ें मिलती हैं, मतलब स्नैक्स काइंड ऑफ मिलते हैं, पर मैंने अब खाना छोड़ दिया है। और ये एक्सरसाइज वाला एरिया था जिसमें मुझे ये मसाज करने वाला बहुत अच्छा लगा। अभी एग्जाम्स के टाइम मेरे कंधे दर्द हो रहे थे तो ये चाहिए था मुझे। और ये ना पता नहीं क्या था यहाँ पे, मुझे लगा मैक्रोनी है, और यहाँ पे श्रिम्प जैसा भी नहीं दिख रहा कि ये श्रिम्प है, पर यस बहुत ही अजीब लग रहा था। और मैंने यहाँ पे बहुत मतलब अपना मजाक उड़वाया। और कोरिया में एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है कि यहाँ पे ना दुकान के अकॉर्डिंग ना प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे चीनी, चावल वगैरह बहुत महंगे मिलेंगे आपको फूड मार्ट, तो आप अगर कभी भी कोरिया आ रहे हो तो अपने नियर बाय एरिया में देख लेना कि कहाँ सस्ता मिलता है। यहाँ पे डॉग फूड मिलता है, ये सीड्स है, मतलब वो भी आपको मिल जाएंगे। और ये बेल है, जैसे डोर एंट्री पे जो कई लोग बेल लगाते हैं वो। यहाँ पे गर्ल्स के लिए फेस मास्क या कोई भी स्किन केयर वगैरह सब कुछ मिलता है, बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। और डेली यूज़ में से मेकअप ब्रश वगैरह, या ये पिलो का कवर भी यहाँ पे आपको मिलता है। और स्लीपर्स या घर के अंदर वाले स्लीपर्स, ये पायदान या डस्टबिन, डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डेली सोप भी मिलता है। और डस्टबिन में पता है क्या है, एक ही प्राइस पे, पता नहीं छोटे बड़े लोग छोटा लेना पसंद करते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों। हम सिंगल पर्सन इतना बड़ा बड़ा यूज़ करते हैं, पता नहीं। और जैसे टॉवल्स यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था, टॉवल्स यहाँ पे छोटे मिलते हैं। ये हैंगर्स हो गए, और ब्रश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, मतलब डेली में सब कुछ। ये बर्तनों वाला एरिया में सारे तरह के बर्तन, जहाँ देखो डब्बे ही डब्बे, मतलब कोरियंस जो है वो दाइसो से बर्तन लेना नहीं पसंद करते हैं। बट यस, आपको कलशी, ये फ्राई पैन, हर साइज़ के फ्राई पैन, या रोटी बनाने के लिए तवा जैसा पैन भी मिल जाएगा, ढक्कन मिल जाएंगे, चॉपिंग बोर्ड, चक्कू, मतलब खरद, और ये स्टील के भी मिल जाएंगे बर्तन। बट जैसे ना मैंने ये छन्नी ली थी तो इसमें चाय नहीं छनती है यार, मेरे को फिर ये यूज़ करना पड़ा था। बट कुछ भी है, काम चलाओ तो सब चल जाता है। ये प्लास्टिक के हो गए या डिस्पोजल वाली चीज़ें हो गई, वो सब यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस मिलता है। और यहाँ पे ना कोरियंस पता नहीं क्यों, बट ये ग्लव्स बहुत यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, कभी कभी कपड़े धोने के लिए भी। और ये लक्कड़ वाला एरिया जो है ना, मतलब उनके बर्तन मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जापनीज जो हैं वो लक्कड़ वाले बर्तन यूज़ करते हैं, तो ऑफकोर्स ये बहुत क्यूट लगता है, क्यूट नहीं मतलब अट्रैक्टिव लगता है। तो यस, लक्कड़ वाली चीज़ें या डिस्पोजल, प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, सब। और ये सबसे ज़्यादा मैं टिश्यूज़ यहाँ पे यूज़ करती हूँ। ये प्लास्टिक वाला एरिया आ जाता है, और मतलब बॉक्सेस बड़े बड़े हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि दाइसो में जितनी चीज़ें मिलती है ना वो 5000 कोरियन वॉन से ज़्यादा की नहीं होती है, तो अच्छा पॉइंट है। ये हम स्टारबक्स के बाहर से निकले थे, सोचा था कुछ खाएंगे, बट नहीं। ये लोग मेरी वीडियो में डेबिट नहीं करना चाहते, ये नए स्टूडेंट्स आए हमारी यूनिवर्सिटी में, लोगों ने बहुत गंदे तरीके से मुझे ठुकराया। ये है हनारो मार्ट, यहाँ पे हम जा रहे हैं सब्जियाँ खरीदने, क्योंकि हमें पता लगा यहाँ पे सब्जियाँ अच्छी मिलती हैं। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ मेरे पास कितनी गरीबी है। मैं एक दिन दो तुकबुकी के पीस पे जिंदा थी, आज अभी तक सुबह से मैंने चॉकलेट खाई है, अभी आई थिंक 4 बज गया।
तो फाइनली मैं शॉपिंग करने कुछ बनाऊंगी और रात को खाऊंगी। सहन शक्ति देखो अपने। मैंगो जेलीज हैं, कितनी महंगी है पता नहीं क्या। कोरिया में सब्जियां बहुत कम मिलती हैं, भिंडियां खाए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं मशरूम की वैरायटीज और पत्ते की वैरायटीज। पत्ते पता नहीं कौन से तरह के पत्ते हैं। फ्रूट्स तो जन्मों के बाद ही खाने को मिलते हैं क्योंकि बहुत महंगे होते हैं। ये है हेल्दी फूड सोयाबीन स्प्राउट एंड ये पाइनएप्पल 22,000 का। छोटा सा मेलन सिंगल पर्सन के लिए। एक ड्रैगन फ्रूट 5,000 कोरियन वन। ये आड़ू है आई थिंक 7,000 कोरियन वन के करीब का। ये आ गए चेरीज 10,000। ये यहाँ का ना स्पेशल फ्रूट है कोरियन पेयर इन ब्रिटिश एक्सेंट एक्चुअली। एक और स्पेशल फ्रूट है इसको तोड़ के खाते हैं। ये बेर है, बेर ठीक है। ये सच्ची तो मैंने ये पहली बार देखा। गाजर दांत टूट जाएंगे यार। बैंगन का एक पीस मुझे दे देना। रुको रुको मैं सोचती हूँ मुझे क्या खरीदना है। ब्रोकली मिर्च यार लहसुन बड़े महंगे वैसे। लहसुन है 3-4। ये की शिमला मिर्च 960 वॉन। ये मुझे लगा बड़ी सी बनी है। मशरूम्स हैं। अरे सब्जी की वैरायटीज वहाँ से ज़्यादा है बस। पत्ते तीन पीस 9,000 के। टमाटर ये देखो मुझे क्या मिला। सब्जी के अंदर तितली है। तुम्हें घास जो उगती है वो 1500 की वॉन की बेच रहे हैं। ये पत्ते मुझे लगता है सब्जी काट के जो पत्ते पीछे बचे होते हैं वो है। ये तो मुझे लगता है गुलाब के फूल के पत्ते हैं। ये भी पत्ते सारे पत्ते देखा जाए ना तो 1,000 से 2,000 के बीच में है। अब तुम्हें आई थिंक पता होगा ये सुक्का बैंगन मतलब खीरा है। सुक्का पता नहीं क्या है, रेड कलर की है बट बीच में छोटे छोटे दाने से हैं। ब्लूबेरीज 14,000 की है। इसमें सब्जियां है कि 3,000 की है। ये इतनी सी मुझे लगता है ये पालक है के बच्चे हैं पालक के पर मैं पालक खाती नहीं। 4 पीस प्याज के 1900 वॉन के। कौन सा फ्रूट है यहाँ पे लक्कड़। दूध है मैं ये वाला ले रही हूँ। लोग ये बहुत पीते हैं यार यहाँ पे खाना खाने के बाद। चीज़ यहाँ पे टेस्ट करने के लिए सामान देते हैं और मुझे उनको कहना पड़ता है कि मैं नहीं खाती हूँ वो। ये मैं आई हूँ कि सर डेबिट कर रही हूँ मार्ट में। पेप्सी पियो पेप्सी। मैं सच्ची मुझे पेप्सी बहुत पसंद है एक्चुअली। 6 पीस हैं। क्यूट है। ये ड्रिंक्स वाला पोर्शन जो कॉफ़ी टी और एनर्जी ड्रिंक्स स्टार्ट होते होते ये सोडा और उसके बाद दारू की तरह जाता है। बताना था कि कैसे देखते हैं ये कुछ भी मतलब क्या इसमें क्या होता है कैसे चेक करना है। जैसे ये है पैकेट है इसके ना पीछे है ना वो अलग सी लाइन होती है इसे वो अलग ही उसको किया होता है तुम्हें पता लग जाएगा इंग्रेडिएंट्स दिख रहा है। ये यहाँ पे ये कलर किया हुआ वो उसको सबसे नीचे लिखते हैं सारे इंग्रेडिएंट के बाद। इसमें लिखा है तक होगी छोगी मतलब सी फूड है तो वो खोगी खोगी है तो वो मीट है और सी फूड का नाम आपको याद करना पड़ेगा। 15,000 की दारू मेरे पता नहीं क्या वाइन है क्या कुछ तो है उसको दारू ही बोलते हैं हम सब दारू ही बोलेंगे। ये सारी दारू की वैरायटीज हैं सेल लग रही है वाइन को दारू खोल ले देखो दारू दारू होते हैं। ये मिक्चू है ये सूला फ्लेवर वाली वो प्रॉपर सूला क्वा पे की मैं भी देखा पहले ये मशरूम मशरूम के पीछे से काटते खाते हैं। लक्कड़
चावल बहुत महंगे हैं यार यहाँ के, वैरायटीज बहुत है, मोटे चावल मिलते हैं कि मूली, ये सारे फ्रोजन फ्रूट हैं। कितनी अच्छी वीडियो बन रही है मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है ये देखिए ये सारा यहाँ पे जो है ये सब चीज़ वो है क्या बोलते हैं यहाँ का मेन पेस्ट है, यहाँ का मसाला है, मतलब कोरिया के खाने का राज यहाँ पे है। मैं सोची टेंशन ये है सोया सॉस, लोग सोया सॉस बहुत, हमारे वहाँ की सड़क पे जो नूडल्स बनाता है वो सोया सॉस नहीं यूज़ करता, मेथी ये 4000 कोरियन वॉन की है। तो ये साबुत धनिया, वाइट पेपर पाउडर, ओरिगैनो, तेज पत्ता, सारी इंडोनेशियन चीज़ें हैं। ये ऐसी फ्रूट तक वाली चीज़ें, कार्बोनारा ये क्या है, आलू आलू घी ऑयल, जिंजर पाउडर, हल्दी, गार्लिक पाउडर, जेलेटिन, ये अगर पाउडर, ये अगर मगर किसका अगर, वीट फ्लोर 1 किलो का है, फिर नान है, देखो कड़ी कह के इन लोगों ने धोखा, इंडिया में नहीं बन, ये हमारे में कोई कड़ी है पीकू पास्को, कोरिया में ना ये चीज बहुत फेमस है, स्पैम ट्यूना फिश, और बहुत महंगे होते हैं ये। ये कॉफी जो मैं पीती हूँ फ्रेंच कैफे पर, जो सब लोग कोरिया में ज्यादा पीते हैं वो है ये। ये सारे स्नैक्स हैं, बट स्नैक्स में भी ध्यान रखना क्योंकि स्नैक्स में भी बहुत नॉन वेज होता है, बहुत ज़्यादा। और चीतोस कभी मत यहाँ ट्राई करना, चीतोस मीठे होते हैं, मोस्टली स्नैक्स मीठे होते हैं यार। ये अलग से इनका मीठा का सेक्शन है, बट फिर भी ये भी मीठे हैं। कपड़े धोने वाले जो होते हैं ना डिटर्जेंट्स, वो यहाँ पे स्मेल, मतलब उसकी स्मेल नहीं होती है, सर्फ एक्सल वो मैं खोलती हूँ ना तो मेरे पूरे कमरे में खुशबू आती है। क्यों होता, डिशवॉशर भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, साफ नहीं होते हमारे बेचारे चाय पत्ती वाले बर्तन ही जेलीज। फाइनली हमने इतना सारा सामान दिया है। हमारी प्लानिंग थी 3 जगह जाने की पर हम 2 जगह जाके बहुत ज़्यादा थक गए हैं। एक्चुअली हम कभी भी ऐसे खुद से नहीं आते हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो हमें हर एक दिन बाद अपने बस में लेके आते हैं, यूनिवर्सिटी बस में, तो हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे, वो हमेशा रात को लेके आते हैं। पर अभी वो बिजनेस ट्रिप पे बाहर गए हैं इसलिए हमें खुद शॉपिंग करने ऐसे आना पड़ा, ग्रॉसरी शॉपिंग, तो इसीलिए मैंने आपको इतने अच्छे से वीडियो बना के दिखा दिया। क्योंकि जब प्रोफेसर के साथ आते हैं तो 1 ही घंटे का टाइम होता है और उसमें बहुत कुछ खरीदना होता है तो दिमाग नहीं काम करता है। यस आई विश आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये कुछ ऐसी बनी है वीडियो पर, बाई टैक्सी लेके घर जाना पड़ेगा, जो हमें बंदा लेके जा रहा है ना बड़ा गुस्से वाला है।